तो साथियों, जैसे कि हमारे पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम जो है कि इसका कोई भी ड्रम जो है नहीं घूम रहा है, ना ही धोने वाला घूम रहा है, ना ही सुखाने वाला, खाली आवाज़ आ रहा है इस तरीके से, खाली घूँ घूँ का आवाज़ आता है। लेकिन जब हम इसको पीछे से घुमाते हैं नीचे से तो ये घूमने लगता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही घुमाया हमारा मशीन जो है घूमने लगा। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरीके से हम इस पर कपड़े पे लोड डालते हैं वो बंद हो जाता है। जैसे ही हम इसके अंदर कपड़े, देखिए ये हमारा समझ लीजिए कपड़े का लोड है, तो ये बंद हो जाता है वॉशिंग मशीन। और जब हम हाथ से घुमाते हैं तब ये घूमने लगता है। आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में ही ये पूरा वीडियो बना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन के सारे वायरिंग को चेक करेंगे। वायरिंग इसलिए चेक करेंगे, कभी कभी वायरिंग फॉल्ट होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, दोनों मोटर हमारा नया है, अभी मशीन ही हमारी नहीं है, लेकिन इसमें इस तरीके का फॉल्ट आ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वायरिंग गई है हुए यहाँ पे, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जॉइंट जो बंधा हुआ है, और इसको हम खोलेंगे, और यहाँ पे पीछे कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसको भी हम निकाल देंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैपेसिटर इसमें कितने का है, यहाँ पे 9 UFB और 5 UFB का है। 5 UFB हमारे स्पिन मोटर के लिए है और 9 UFB हमारे वॉश मोटर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारे वायर को चेक करेंगे अच्छी तरीके से। कभी कभी वायर स्पार्क होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कोई वायर जो है स्पार्क नहीं हुआ है। तो चलिए अब सबसे पहले हम मोटर का, वॉश मोटर का जो वायरिंग है ब्लू और येलो, यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटर में कौन सा गया हुआ है। यहाँ पे ब्लू येलो ही हमारा कैपेसिटर में गया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। तो इसको हम यहाँ से पहले काट लेंगे, और काट के इसके अंदर हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। याद रखिए आपको ओरिजिनल कैपेसिटर यूज करना है, जो कि सेम टू सेम कलर कोड हो। यहाँ पे देख लीजिए हमारा ब्लू और येलो कलर कोड है, तो हम इसमें वही कलर कोड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे चार वायर दिया रहता है, तो यहाँ पे जो दो ब्राउन और वाइट दिया हुआ है यहाँ पे आपका स्पिन का है। तो हम पहले वॉश वाले को कनेक्ट करेंगे। वैसे चलिए हम सबको कनेक्ट कर देते हैं अपने नया कैपेसिटर में। तो नया कैपेसिटर कैसा है दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास नया कैपेसिटर है, इसमें देख लीजिए चार वायर इसमें भी निकला हुआ है, लेकिन ये आकार के मामले में हमारे पुराने कैपेसिटर से जो थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास 10+6 का है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप 10+6 का यूज कर सकते हैं, 5 की जगह 6 यूज कर सकते हैं, और 9 की जगह 10 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 का जो कलर कोड है यहाँ पे येलो और ब्लू लिखा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, और जो हमारा 6 का है वाइट और ब्राउन दिखा रहा है। तो सारे वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। याद रखना इस तरीके से कनेक्ट करना है, कहीं स्पार्क होने का चांस ना रहे। तो यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा पुराना वाला कैपेसिटर है 9.5 का, और ये हमारा नया है जो कि 10.6 का है। आप यहाँ पे 10+6 ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इधर दिखा देता हूँ आपको। और अब चलिए इसको हम चेक करके एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमको बिना पैक किए हुए पहले इसको चेक करके देखना है कि हमारा मोटर जो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर और कोई फॉल्ट है इसके अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पे चालू करेंगे तो ये हमारा चालू हो जाता है, लेकिन अब हमको इस पर प्रेस डाल के चेक करना है कि हमारा मोटर जो बंद होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जितना भी ताकत लगा सकते हैं तो लगाइए, अगर जो मोटर रुक जा रहा है तो समझ लीजिए मोटर में फॉल्ट है, और नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए आपका मशीन जो है ओके हो चुका है। यहाँ पर हमने स्पिन भी करके देख लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है चालू है। अब चलिए इसको लेके चलते हैं यूज करने के लिए। यहाँ पे अब हम पानी भर रहे हैं इसके अंदर, पानी भरने का वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद चालू करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा पानी भर चुका है, और अब हम इसको घुमाकर चेक करेंगे कि हमारा अच्छी तरीके से रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा काम जो है वो सफल रहा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, ताकि आपको उनके बारे में जानकारी मिल सके।